the novel coronavirus keeps spreading, so is the dubious information about its origins. Coronavirus officially hitting the US. 743 people have died in the last 24 hours. The first coronavirus death in India. Aaj raat 12 baje se gharon se bahar nikalne par puri tarah pabandi lagai ja rahi hai. आखिरकार हिंदुस्तान पर भी टूट ही पड़ा चीनी वायरस कोरोना का कहर। इसके साथ ही चिंताजनक सवाल यह खड़ा हो गया कि इन मुश्किल दिनों में उनका गुजारा कैसे होगा, जो बेघर हैं, आर्थिक रूप से लाचार हैं, जिनका चूल्हा जलता है रोज की मेहनत मजदूरी से। ऐसे में एक ही रास्ता था कि सामर्थ्यवान लोग और सेवा संगठन आगे आए, इनके साथ खड़े हों, इनकी मदद करें। बात दिल्ली की करें तो लॉकडाउन की आहट और इस मुश्किल घड़ी को पहले ही भांप लिया था सेवा संगठन सेवा भारती ने। सेवा भारती को अंदाजा हो गया था कि लॉकडाउन की स्थिति में राजधानी दिल्ली में ही लाखों लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी होगी, जिन तक राशन और पका हुआ भोजन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसी हर परिस्थिति में काम आती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक शक्ति, उसकी सुदृढ़ सेवा संरचना और कार्यकर्ताओं का संपूर्ण समर्पण। तो इस प्रकार जो हमारी जो संस्था है, ये सेवा भारती, ये मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जिसके लिए भी और जिस किसी भी क्षेत्र में और जिस भी किसी समय आवश्यकता पड़ती है, हम उसकी सेवा के लिए तत्पर हैं। संघ ने रातों रात योजनाबद्ध तैयारियां शुरू कर दी। भोजन व्यवस्था, सुरक्षा सामान का वितरण, अकेले रह रहे बुजुर्ग और दिव्यांग जन की सहायता, जरूरत पर एम्बुलेंस की व्यवस्था, ब्लड डोनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेजमेंट। इनमें सबसे बड़ा टास्क था भोजन व्यवस्था। लक्ष्य यह कि सेवा भारती की जानकारी में इस कोरोना संकट काल में कोई भी व्यक्ति असहाय न रहे। भोजन व्यवस्था के लिए दो स्तर पर काम शुरू हुए। जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन किट का प्रबंध और अकेले रह रहे बेघर और लाचार लोगों के लिए तैयार भोजन की व्यवस्था। राशन किट के लिए ओखला में एक केंद्रीय भोजन सामग्री पैकेजिंग सेंटर बनाया गया। इस काम में पूरा प्रोफेशनल तरीका अपनाया गया। The first thing that is done before they enter this facility is their thermal scanning, and once they're okay, then they come in, they sanitize and they wash their hands and they pick up their kits and wear them. So they have their whole PPE, they have the gloves, if you can actually see they're wearing gloves. Masks is 100% compulsory. They have their masks which they wear from home, but over here when they come in, they wear fresh masks every day. दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 8 और पैकेजिंग सेंटर्स की व्यवस्था की गई है। खाद्य सामग्री के वितरण के लिए कार्यकर्ताओं की दर्जनों टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली में कुछ बस्तियां ऐसी भी हैं जहां आज भी सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं। अभी यहां पर कोई दूर-दूर तक रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यमुना खादर की ऐसी बस्तियों में संघ कार्यकर्ता नाव की सवारी कर पहुंच रहे हैं। सेवा भारती वाले, अच्छा, सेवा भारती वाले आपको राशन देते हैं? हाँ, बना हुआ खाना भी दिया, अभी राशन लेकर काम। यहाँ के दर्जनों परिवारों को खाने पीने की हर जरूरी चीज के पैकेज पहुंचा रहे हैं। सेवा भारती कार्यकर्ता खाद्य सामग्री लेकर दिल्ली की गरीब बस्तियों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं। आईपी एक्सटेंशन के नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन छात्रावास में जब छात्रों के सामने राशन का संकट खड़ा हो गया तो सेवा भारती कार्यकर्ता वहां पर्याप्त राशन सामग्री लेकर पहुंचे। और भी कोई चीज आपको चाहिए? आप सही, दिल्ली के तमाम शुभ चिंतकों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके जो है हृदय में हमारे लिए इतनी आस्था है और इस कठिन समय में हमारा आप चिंतन करते हैं।
मध्य दिल्ली में रेड लाइट इलाके की सेक्स वर्कर्स की सहायता के लिए भी खाद्य सामग्री लेकर सबसे पहले और सबसे आगे आए सेवा भारती के कार्यकर्ता। थर्ड जेंडर, जिनकी रोजी रोटी आमतौर पर नेग और शगुन के पैसों से चलती है, उनके लिए भी भोजन सामग्री लेकर पहुंची सेवा भारती टीम। संघ जो है समाज के सभी वर्गों में काम करता है। पाकिस्तान से विस्थापित सैकड़ों हिंदू परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने के साथ ही इन परिवारों की गर्भवती महिलाओं को अलग से विशेष पैकेट पहुंचा रहे हैं, जिनमें विटामिन्स और पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन सामग्री है। क्या है इसमें बताया? ये आपके लिए, बच्चों के लिए नहीं है, इन बच्चों के लिए नहीं है, आपने खाना है। ये एक और बच्चा आने वाला है ना, तो इसलिए आपने खाना है। कुछ भी नहीं मिल रहा है हमारे को, अभी आपने मदद किया है उसका शुक्रिया। इसी कड़ी में घुमंतू जनजाति के 2700 परिवारों को भी राशन किट पहुंचाए गए। आज भी प्रतिदिन औसतन 6000 राशन किट बांटे जा रहे हैं। झंडेवालान मंदिर प्रशासन और सेवा भारती के साझा प्रयास से झंडेवालान मंदिर प्रांगण में एक केंद्रीय सामुदायिक रसोई शुरू की गई है। यहाँ हर दिन लगभग 50,000 लोगों के लिए पौष्टिक भोजन पकाया जा रहा है। पके भोजन के पैकेट्स बनाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में कुल 910 स्थानों पर पका भोजन परोसने का कार्य चल रहा है और प्रतिदिन औसतन 1,25,000 लोगों तक पका भोजन पहुंचाया जा रहा है। उनके अपने नाम वगैरह लिए थे, उनको हम कॉल करके बुला रहे हैं ताकि भीड़ इकट्ठी न हो। नाम वेरीफाई करने का उनका कार्ड बनाया जा रहा है, कार्ड बनाने के बाद उनको सुबह शाम खाना दिया जाएगा। इन सब के साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि छोटे बच्चों को दूध भी मिले और लोगों को सुबह की चाय बिस्कुट भी। आपको दूध उनके लिए हम दे रहे हैं ताकि वो बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो। लॉकडाउन की घोषणा के बाद 28 मार्च को जब हजारों प्रवासी लोग दुर्भाग्यवश अपने अपने घरों को जाने के लिए दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर पहुंच गए और स्थिति अनियंत्रित होने लगी, तब वे संघ कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने वहां पहुंचकर भीड़ को न सिर्फ मैनेज किया बल्कि उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी की। धक्का मुक्की ना करें, एक दूसरे को अनावश्यक छुए। इस कोरोना संकट काल में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इस लक्ष्य के साथ काम कर रही सेवा भारती की दिल्ली इकाई ने कुल 5 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। ये सारा काम जो इस समय चल रहा है, ये पूरी तरह से क्लाउड बेस्ड काम है। तकरीबन 300 लोग अपने घरों में बैठकर, जिसके अंदर तकरीबन 40 डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्वयंसेवक हैं संघ के, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। मुख्य हेल्पलाइन के अलावा स्टूडेंट हेल्पलाइन, दिव्यांग हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए सखी नाम से हेल्पलाइन और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक विशेष ऐप उत्कर्ष लॉन्च कर सभी हेल्पलाइंस को एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ दिया। दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता उसी तरह से लगे हैं जैसे देश भर में लगे हैं। देश भर में इस समय 2,00,000 से अधिक कार्यकर्ता सेवा के कार्यों में लगे हैं। सेवा भारती ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए जाएं और इसके लिए जरूरी चीजें भी दी जाएं। जैसे हाथ धुलवाए हैं ना, ऐसे दिन में बार 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 जल्दी जल्दी हाथ धोने हैं। सेवा भारती बस्तियों में काम करते हैं, हमने सोचा कि they'll be the best people to call, क्योंकि हमें पता है कि सही जगह पहुंच जाएंगी चीजें। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इस आपदा काल में संघ कार्यकर्ता अकेले रह रहे बुजुर्गों का भी खूब ख्याल रख रहे हैं। जानकारी मिलते ही उन तक जरूरी दवाइयां, भोजन सामग्री आदि पहुंचा रहे हैं। बेहद गंभीर परिस्थिति में सेवा भारती जरूरतमंदों को वाहन और एम्बुलेंस उपलब्ध करा रही है। मेरे को सेवा भारती को धन्यवाद बोलना है। हमारे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी 2 दिन पहले, मेडिकल इमरजेंसी, तो उसमें हमने हर जगह ट्राई किया पर हमें एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं कर पाए, तो हमने सेवा भारती की हेल्पलाइन पे फ़ोन किया।
तो उन्होंने 20 मिनट के अंदर हमें अपनी एम्बुलेंस मेडिकल वैन भेज दिए। सेवा भारती ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर जरूरतमंद अस्पतालों को ब्लड उपलब्ध करा रही है। सेवा कार्यकर्ता इस लॉकडाउन में न सिर्फ इंसानों की बल्कि पशु पक्षियों की भी सेवा कर रहे हैं। उनके लिए चारा और दाने का प्रबंध कर रहे हैं। दिल्ली में ये जो कुछ सेवा कार्य हुए और जो हो रहे हैं, वे संघ के उन हजारों कार्यकर्ताओं के संपूर्ण समर्पण का परिणाम है जो दिन रात की सेवा से संघ की उस प्रतिबद्धता को सिद्ध कर रहे हैं जिसमें नर सेवा को नारायण सेवा माना गया है। ये सेवा कार्य संघ की उस नीति के प्रतीक हैं, जो स्वयं सेवकों को प्रेरित करती है हर संकट से लड़ने को, हर मुश्किल में हर किसी का सहारा बनने को। शाखा में एक निश्चित व्यवस्था में और अनुशासन में काम करने का अभ्यास होने के कारण ही संघ के स्वयंसेवकों द्वारा किया हुआ सेवा कार्य अधिक व्यवस्थित और परिणामकारक होता है। अच्छाई का प्रचार प्रसार भी लगे हाथ करते रहना चाहिए। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, इसमें से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों के जीवन को गढ़ भी रहे हैं। अपने पवित्र समाज का संरक्षण और सर्वांगीण उन्नति, ये हमारी प्रतिज्ञा है।